उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 5 साल पहले केमू बस चालक की हत्या मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी की अदालत में 6 दोषियों को आजीवन कारावास और 5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें 9 नवंबर 2018 को पूरन चंद को 6 लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। हत्या के 5 साल बाद सभी अभियुक्तों को अदालत में दोषी माना गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 नवंबर 2018 को पट्टी सरना धारी के दलफोड़ा निवासी मनोज कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 9 नवंबर की शाम बुरासी गांव निवासी लाखन सिंह और उनके भाई पूरनचंद को घर से बुलाकर ले गए। कुछ दूर ले जाकर लाखन सिंह और उनके साथियों द्वारा रमेश चंद को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि हमले के दौरान पूरनचंद की मौत हो गई और पुलिस ने जांच के बाद लाखन सिंह समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बीते शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अजय चौधरी ने 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 5,000 का जुर्माना लगाया है।